हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं किसी और की बात नहीं, ना किसी बीमारी या कुछ भी इस सब के बारे में कोई बात नहीं कहने वाली हूँ, क्योंकि ये सब तरह की बातें कर कर के ना सिर्फ अपना ही मूड ख़राब होता है कि ये आज ये कल वो परसों वो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो आज मैं बात करूँगी अपनी लॉकडाउन में, जो कि लॉकडाउन में हमारे साथ हुआ है और जिस तरह के इसे हम खुद करते हैं सही तरह, जैसे कि स्कूल चलता है, ऑफिस चलता है, तो उस चीज़ पर उस तरह से ध्यान देते थे। अब सब कुछ बंद है, हस्बैंड भी घर पे हैं, बच्चे भी घर पे हैं, तो उस पर उस तरीके से हम ध्यान देते हैं, चाहे 2020 का लॉकडाउन हो या 2021 का। उसमें ऐसा होता है कि सुबह देर से होती है, और सुबह देर से हुई तो सुबह की चाय देर से होगी, ब्रेकफास्ट देर से, लंच देर से, लंच देर से होते, इतनी जल्दी भूख लगती नहीं है, तो डिनर भी देर से होता है। बस यही चीज़ है। पर इस 2020 से और 2021 के लॉकडाउन में सिर्फ एक ही बात का फ़र्क है कि मेरे हस्बैंड अक्सर क्या करते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 5:30 पौने 6 के करीब छत पे जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज, जो भी कुछ होता है वो करते हैं। उठ तो मैं भी जाती हूँ उसी टाइम, लेकिन होता यह है कि मैं छत पे नहीं जाती, मैं नीचे बैठी, मेरे को जो मन में आता है वही सब करती रहती हूँ। जैसे कि इस टाइम की बात बताऊँ, इस टाइम हस्बैंड छत पे हैं, मैं नीचे हूँ और मैं आपसे बातें कर रही हूँ, बच्चे सो रहे हैं, मतलब कि ये एकदम फ्री टाइम है, किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। बस इसी तरह से सब चलता रहता है, किसी की तरह कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं। अगर आपके घर में भी ऐसा चलता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ये नहीं कहती कि मैं ऐसा करती हूँ तो आप भी ऐसा करते होंगे, फिर भी जानने की तो इच्छा रहती है ना कि मैं ऐसा करती हूँ, कि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और भी जो लोग मुझे देख रहे होंगे वो भी एक हाउसवाइफ होंगे, या कोई जेंट्स होगा, जो भी होगा वो भी जानते होंगे कि उनके घर में किस तरह से शेड्यूल चल रहा है। कि अभी तो सब शुरू से ही शेड्यूल लेट ही चलता रहता है, कि किसी बात की कोई चिंता। और जो लोग ऑफिस जा रहे हैं उनके यही तक कि हस्बैंड ऑफिस जा रहे होंगे, बच्चे तो घर में ही होंगे, और जहाँ तक कि क्लासेस भी बंद है, क्या नहीं, समर वेकेशन चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस बंद है, और कब तक चलेगा पता नहीं। वैसे यहाँ तो 9 जून तक का है, 3 तारीख से शुरू हुई है, 3 मई से, और 9 जून तक का है। तब तक एक तरह से बताऊँ तो मैं फ्री हूँ, कि हस्बैंड भी घर में ही है, और देखते हैं, कि सुनने में आ रहा है कि 1 हफ्ता लॉकडाउन फिर से बढ़ेगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन आप जरूर मुझे कमेंट से बताना कि जो कुछ भी मेरे घर में हो रहा है मैं कर रही हूँ, कि आपके घर में भी ऐसे ही होता है। और पता नहीं, बस इतना ही दिन होता है, दिन बस इतने में ही ख़त्म होता है, कुछ अलग नहीं होता। बहुत सारे काम कर लेती है आफ्टरनून में, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता, बस आफ्टरनून में एक फिल्म जरूर देख लेते हैं बैठ के, और कुछ तो नहीं। अभी आएंगे तो फिर चाय नाश्ता होगा, यही सब होगा, लंच बनाऊंगी, घर का काम होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो चलिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी बातें कैसी लगी। अच्छी लगी है तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।